Hey guys, good morning, welcome back to another vlog। तो कैसे हैं आप सब, अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15 और सौरभ जस्ट अभी अभी गया है और ये उसकी प्लेट है और इधर से इतनी धूप आती है सुबह सुबह किचन में, बहुत गर्मी लगती है। और अभी मैं करूँगी एक्सरसाइज। तो गाइज मैं इसी टाइम एक्सरसाइज करती हूँ। तो गाइस ये मैंने मैट लगा लिया है और अब मैं यहाँ पे करूँगी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने के बाद पीऊँगी ग्रीन टी और फिर उसके बाद बनाएंगे हम ब्रेकफास्ट। जा रही हूँ बाहर क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, तो कुछ माता रानी के बैकग्राउंड की डेकोरेशन के लिए मुझे कुछ चीज़ें लेके आनी है, तो वो लेके आऊँगी। और मेरे हस्बैंड को आज ही टाइम है तो आज फ्री है, तो आज लेके आ रही हूँ। और आज डेट है 4 अक्टूबर, तो अभी मार्केट में जा रही हूँ, तो आने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या लेके आई हूँ। और तो गाइस अभी हो गए 3:30 और अभी हम आए हैं और सौरभ को देखना, ड्रेस भी चेंज नहीं होगी उसकी। तो दिखाती हूँ, टीवी के सामने बैठा हुआ मेरे को, बैग कहीं, शूज कहीं, ये देखो जैसा मैंने बोला था वैसा ही, ड्रेस भी चेंज नहीं की हुई, फिल्म देख रहा है। ये इसका बैग देखो, मास्क, आई कार्ड, शूज, इतना केयरलेस लड़का है। और टाइम 3:30 हो गए और खाना आज बाहर से ही लेके आए हैं, बिरयानी। तो आज वेज बिरयानी खाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए तो रोटियां बनानी पड़ेंगी, तो अभी रोटियां बना देती हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई हूँ। गाइस बाहर बहुत धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, तो बिल्कुल दिल घबरा गया। तो अभी तो गाइस बाहर बहुत धूप थी आज और बहुत गर्मी लगी, प्यास भी बहुत लगी। और अभी मैं रोटी बना देती हूँ और लंच कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई हूँ। लेने कुछ गई थी और ले कुछ आई, तो बाद में आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये है बिरयानी और इसके साथ क्या क्या लिया है, ऑनियन, एक पीस अनियन का है, ये दही है, एक और अनियन, मिर्ची, नींबू, इसके अंदर बिरयानी है और इसके अंदर पता नहीं क्या है, लिक्विड सा। तो देखते हैं ये लिक्विड क्या है। होगा पप्पू वगैरह, पप्पू या दाल को गाइस पप्पू बोलते हैं। तो ये ग्रेवी है, ओह किसकी, वेज वगैरह होगी इसके अंदर। नाइस स्मेल। अच्छा ये क्या है, यहाँ की फेमस बिरयानी है, इस्माइल बिरयानी। तो दिस इज द बिरयानी। तो गाइस बिरयानी खा लो, तो अभी हम लंच कर लेते हैं। तो गाइस चलिए क्या क्या सामान मैं लेके आई हूँ वो आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं माता रानी के लिए जो जो चीज़ें लेके आई हूँ वो शेयर करूँगी। तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ एक कार्डबोर्ड शीट, तो ये थोड़ा उसके शेप में तो नहीं है, थोड़ा रेक्टेंगुलर है। तो वैसे तो मुझे थर्माकोल लेना था, लेकिन उसकी जो क्वालिटी थी वो एकदम लो थी, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल था।
इसलिए मैंने वो कैंसिल करके ही कार्डबोर्ड लिया। और जो दीवार है वो ख़राब हो जाती है, तो दीवार पे मैं कुछ भी नहीं लगाती, तो बैकग्राउंड में कुछ भी मुझे डेकोरेट करना होता है तो मैं इस तरीके का कुछ भी मटेरियल जो है यूज़ करती हूँ। उसके बाद है ये फ्लावर और ये टू है, तो इनसे कुछ डेकोरेट करेंगे। तो जब लगाऊंगी तब आप देखना, काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। और उसके साथ ही मैंने लिए हैं ये टू, और ये जो फ्लावर वगैरह इनको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इन सभी फ्लावर को वॉश करूंगी, उसके बाद मुझे ये पॉट बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये है टू रेड कलर के पॉट, और इनका जो प्राइस बहुत ही हाई बोल रहे थे, मतलब 150 का ये पेयर था। और एक है ये वाइट कलर, इनका प्राइस 120 था। तो बार्गेनिंग करने के बाद दोनों के दोनों, मतलब चारों के चारों पीस 150 के मिले। तो अगर थोड़ी सी बार्गेनिंग और करते तो थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाते। वैसे देखा जाए तो इनमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है गाइस, बस ये प्लास्टिक है। तो 150 में भी मुझे महंगे लगे थे। और जो रास्ते में ये जो जगह जगह पे रेडी वगैरह लगी होती हैं, स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, ये प्राइस डबल ट्रिपल ऐसे करके बोलते हैं, तो इनके साथ बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने ली थी ये एक लाइट, तो इस लाइट को मैं कैसे यूज़ करूँगी वो बता देती हूँ। तो गाइस इसको मैं एज अ रिंग लाइट यूज़ करने वाली हूँ, मतलब जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी तो इसको यूज़ करूँगी। तो ये है इसका चार्जर। वैसे मैंने पहले रिंग लाइट मंगवाई थी, लेकिन वो जो रिंग लाइट है वो लाइट में कनेक्शन होता है तो ही चलती है, मतलब चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं होती, तो अगर बाय चांस बीच में लाइट चली जाए तो ऑफ हो जाएगी, इसलिए वो मेरे काम की नहीं है। तो मैं ये लेके आई हूँ, और ये है 450 की, तो ये डीमार्ट से लेके आए थे। तो ये चार्जर है, और इसके साथ एक स्टैंड था, वो पता नहीं सौरभ ने कहाँ रख दिया देखते हुए। और यहाँ पे इसका स्विच दिया हुआ है, एंड इसको रोल करेंगे तो इसकी लाइट जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो रिंग लाइट की जैसे ये वर्क करेगी तो मुझे ये काफ़ी पसंद आई, मतलब लाइट चली भी जाती है अपार्टमेंट में तो ये वैसे भी यूज़ होगी, और जब मैं वीडियो वगैरह शूट करूँगी तब भी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। वैसे तो अपार्टमेंट में जनरेटर लगा हुआ, लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ, मतलब एक साल से ऊपर हो गया जनरेटर को, बट कनेक्शन नहीं हुआ है। तो ये थी डेकोरेशन की चीज़ें, और कुछ माता का प्रसाद वगैरह था वो है, और ये है माता का जो पार्ट होता है उसके नीचे मैं इसको बिछाने वाली हूँ। तो ये चंदेरी टाइप में, मतलब बनारसी टाइप में कुछ वर्क है इसके ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये 200 रुपीस मीटर है, तो एक मीटर मैं ये लेके आई हूँ। उसके बाद हैं कुछ नाइट वेयर, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। एक ये प्लाजो है, और ऐसा गोल्डन कलर का प्लाजो मुझे चाहिए था, और ये मेरी कई ड्रेसेस पे चल जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो है 299, और ये साइज है XL, और साइड में इसमें जिप लगी हुई है और एक बटन लगा हुआ है। तो मुझे चाहिए था ये, मेरी 3-4 ड्रेसेस पे चल जाएगा, और मैंने इसको ट्राई करके देखा था, काफ़ी अच्छी फिटिंग है इसकी। उसके बाद हैं ये नाइट वियर कुछ पजामास, तो इसका भी कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, और इनका प्राइस है, इनका भी 299 स्पेशल प्राइस, और साइज है XL। तो कपड़ा काफ़ी अच्छा है, बट जो नीचे बॉटम में है वहाँ पे इलास्टिक दी हुई है, तो गाइस
लास्टिक से थोड़ा सा ऐसा मतलब सफोकेशन सा फील होता है, तो वो लास्टिक को मैं निकाल दूंगी और ये फिर ऐसे हो जाएगा। तो इसमें ये एक ये है ब्लैक, एक ये मैरून और एक ये थोड़ा सा डल पिस्ता कलर है। तो तीन ये हैं, ये सेम है, सेम क्वालिटी है तीनों की। और इसके बाद है ये वाला वाइट वाला, और इसका जो कपड़ा है वो कॉटन का है। उनका कपड़ा क्रीप में था लेकिन ये कॉटन में है, और ये भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर लास्टिक दी हुई है पूरे में, और इसका प्राइस है 399 और साइज़ है डबल एक्सल। तो इसमें मुझे एक्सल साइज़ नहीं मिला तो मैं डबल एक्सल ले आई, और इसकी बॉटम में ये चीज़ अलग से लगाई हुई है। ये किरोसी से बनी हुई है, आई थिंक ये मशीन से बनी हुई है, हैंडवर्क तो नहीं लग रही, तो ये अलग से लगाई हुई है। इसके बाद है ये कुर्ती, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो इस पे प्रिंट दिया हुआ है और जो कलर है इसमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये वाला प्रिंट नीचे तक है, दोनों ही साइड दिया हुआ है, और नीचे घेरे पे भी थोड़ा सा डिज़ाइन है। ये प्रिंट, बस ये जो प्रिंट है ये ना उतरे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और बीच में ये डॉट दिए हुए हैं, बैक में भी ऐसे ही डॉट हैं, और इसकी स्लीव्स भी ठीक ठाक हैं, और स्लीव्स के आगे लगा हुआ है ये गोटा। और इसका प्राइस है 299 और साइज है एक्सेल, तो इसको मुझे ऑल्टर करना पड़ेगा गाइस, थोड़ा लूज है ये। और नेक पे भी ये हैंड से किया हुआ है जस्ट, बाकी सारा प्रिंट है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे और प्राइस भी रिजनेबल था तो मैं ले आई। इसके बाद एक और कुर्ती है, वो है ये, इस पे थोड़ा मोटा प्रिंट दिया हुआ है, और ये सेल्फ प्रिंट है, आगे बटन लगे हुए हैं, और इसका जो कपड़ा है वो आप देख सकते हो, इसके अंदर ये थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं जाली का डिज़ाइन दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और गर्मी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसकी भी स्लीव्स अच्छी हैं, आगे बॉर्डर दिया हुआ है, और यही बॉर्डर नीचे घेरे पे तो नहीं है, तो पूरे पे ही प्रिंट है बस और कुछ नहीं है। एंड इसका प्राइस 399 और ये भी डबल एक्सल है, तो ये भी मुझे ऑल्टर करना पड़ेगा। तो पूरे में प्रिंट दिया हुआ है, तो इसके नीचे मैं पहनने वाली हूँ ये वाइट प्लाजो, और इसके नीचे वैसे तो ये स्टार्टिंग वाला जो गोल्डन है वो भी चल जाएगा क्योंकि इसके अंदर ये वाला कलर दिया हुआ है, तो कैमरे में तो थोड़ा डिफरेंस लग रहा है बट ऑफ कैमरा बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम सेम लग रहे हैं। तो ये वाला कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, और ये वाइट है, इसके नीचे मैं डालूंगी ये मैरून, तो ये वाला अच्छा चलेगा क्योंकि इसके अंदर मैरून है और वाइट कलर दोनों दिए हुए हैं, तो ये इसके अंदर अच्छे से चल जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है एक दुपट्टा जो काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे, इसका प्राइस है 199। तो ये फुल दुपट्टा है गाइस, स्टॉल नहीं है, तो फुल दुपट्टा है। तो मैंने ये जो गोल्डन प्लाजो लिया था
उसी के साथ मैंने इसको ले लिया था, तो ये दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये कुछ चीज़ें थी जो मैं लेके आई थी, और भी कई चीज़ें हैं जैसे टॉवल वगैरह हैं वो लेके आई थी। सो गाइज, ये थी कुछ चीज़ें जो मैं लेके आई थी, होप आपको पसंद आई होगी। तो दोनों कुर्तियों में से कौन सी कुर्ती आपको ज़्यादा पसंद आई वो मुझे बताइएगा। और आज के व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे करूँगी, अदरवाइज व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।